भगवान बद्री विशाल के शीतकालीन धाम पांडुकेश्वर में 7 दिवसीय कुबेर महोत्सव मेला का शुभारंभ हुआ, जहां स्थानीय लोगों ने बताया कि भगवान कुबेर के नवनिर्मित मंदिर के बाद देवरा महोत्सव का आयोजन किया गया है। यह आयोजन 12 सालों बाद हो रहा है। इस आयोजन में भगवान कुबेर की मूर्ति को उनके नवनिर्मित मंदिर में स्थापित की गई। वहीं पूर्व धर्म अधिकारी बद्रीनाथ मंदिर भुवन चंद्र उनियाल ने बताया कि कुबेर देवता स्थानीय लोगों के आराध्य देव हैं। बद्रीनाथ यात्रा के दौरान ग्रीष्म काल में कुबेर की चल विग्रह डोली बद्रीनाथ धाम में विराजमान रहती है। वहीं भगवान के नवनिर्मित मंदिर में कुबेर की मूर्ति स्थापना के बाद ये महायज्ञ किया गया। पांडुकेश्वर से संवाददाता अजय कृष्णा मेहता की रिपोर्ट। जय कुबेर भंडारी की, जय भगवान बद्री विशाल की। जैसा कि आज से हमारे गांव पांडुकेश्वर में भगवान कुबेर जी का जो देवरा आज से प्रारंभ हो चुका है और ये 7 दिवसीय देवरा है, जिसमें कि आज सर्वप्रथम पहले जल यात्रा का कार्यक्रम हुआ है। सभी गांववासी और महिला मंगल दल वाले व आर्मी के बैंड के साथ सब लोग जल यात्रा में गए। जल यात्रा के बाद पंच पूजा हुई। पंच पूजा के पश्चात अभी जो है हवन का कार्यक्रम चला है और हवन के पश्चात थोड़ी देर में भगवान की कथा शुरू हो जाएगी और यह कथा लगातार 7 दिन तक चलेगी। संदेश विशेष रूप से देना चाहता हूँ, जैसे ही कुबेर यज्ञ संपन्न हो जाएगा 14 तारीख को, 15 को हमारे देवता लोग यहाँ पे विशेष आह्वान किए जाएंगे। एक परंपरा हमारी यहाँ पे कि घंटाकर्ण जी और देश दुनिया में भ्रमण पे जाते हैं कि यात्रियों को सुरक्षित यात्रा के लिए संदेश देते हैं, ऐसी एक भावना है। तो उसके पूर्व घंटाकर्ण पूजन, कुबेर पूजन, कैलाश पूजन, नंदा देवी पूजन, सभी स्थानीय देवताओं का पूजन, भगवान बद्री विशाल जी का पूजन, साथ ही कपाट खुलने की घोषणा राज दरबार में 14 फरवरी को की जाएगी। श्री कुबेर भंडारी, जय बद्री विशाल। भगवान कुबेर जी को प्रणाम करते हुए, जो कुबेर महोत्सव हो रहा है, भगवान कुबेर जी का मंदिर का नव निर्माण के उपलक्ष्य में ये कुबेर देवरा मनाया जा रहा है और इससे कम से कम जो है 12-13 साल पहले भी कुबेर देवरा हुआ था और उसके पश्चात अब हो रहा है। अब मंदिर नव निर्माण के उपलक्ष्य में हो रहा है और उसी कार्यक्रम के तहत जो है आज जो है कलश यात्रा शुरुआरंभ हुई है। उस कलश यात्रा में जो है सभी लोग जो है पूरे गांव के पूरे क्षेत्र के लोग जो है अलकनंदा नदी में गए, वहां से कलश गंगा जल लेकर के जो है कुबेर जी का अभिषेक वगैरह होता है और ये जो है लगातार 7 दिनों तक होगा। इसमें कुबेर महायज्ञ, कुबेर हवन, श्रीमद् भागवत कथा और लोकल नृत्य, दांपड़ी चापड़ी सांस्कृतिक प्रोग्राम होंगे। तो ये आज से शुरू हो चुका है और बहुत बढ़िया भव्य आयोजन हुआ। आज जो है गढ़वाल स्काउट के बैंडों से इसका स्वागत हुआ, हमारे स्कूल के बैंडों से स्वागत हुआ और बहुत सारे ढोल धमाऊ से इसका स्वागत हुआ।